हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, दैट इज़ IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के इस कोर्स के बारे में। जिनको नहीं पता है ये मार्केट के बारे में, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कैसे IEPF के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप BCom में हो या फिर आप 12 पास में, तो आई डोंट थिंक आप करना चाहिए। इफ़ यू आर एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, या फिर अगर कहीं कुछ जॉब आप कर रहे हो, इन दैट केस आप इस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आप पार्ट टाइम अर्निंग के रूप में भी ले सकते हो, अगर आपका फुल टाइम इसमें काम करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली नीड इन दिस पर्टिकुलर जोन? आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए इस पूरे के पूरे चीज़ का, जैसे क्या होता है, क्लेम कैसे है, क्लाइंट कैसे डील करना है, लाना कैसे है, कहाँ से क्या मिलेगा, ये क्लेम कैसे एंड एंड प्रोसेस तक कैसे जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा 360 अप्रोच है इस कोर्स के अंदर। जैसे मैं अगर आपको शो करूँ, ये आपको वाउचर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कोर्स कंटेंट में क्या है, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन, शेयर्स, ट्रांसफ़र का प्रोसेस, हर एक चीज़, मतलब इवन आपका डॉक्यूमेंट वाइज की, मतलब क्या बोलते हैं, केस वाइज की, इस टाइप का केस हुआ तो क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कंपनी के साथ, अगर कंपनी आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करिए तो क्या उसको मेल करना होगा, किस तरीके से मेल करना होगा, हर एक चीज़ इसके अंदर आपको सिखाया गया। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। मेरे को जहाँ तक लगता है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 110% इतनी क्लैरिटी देगी कि भाई किसी भी कंपनी का क्लेम आप कर सकते हो। ठीक है, अब जिसको ये चीज़ के बारे में उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, देखो अभी क्या होता है ना, कंपनियां आप अगर आप लंबे समय तक कोई भी शेयर्स वगैरह का आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो, वो IPF में चला जाता है। लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सर IPF के पास। ठीक है, अब उतना पैसा जब IPF के पास पड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी का क्लेम है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसका क्लेम बनता है, उनके साथ डील करना है, डील स्ट्रक्चर करना है, एंड देन आपको वो क्लेम करके उसको देना है। क्लियर? अब उसको जो क्लेम करके दे रहे हो, अगर आप कमीशन बेस्ड काम करो तो 15% 20% पे कमीशन चल रहा है ऑन एवरेज। आप 15% भी चार्ज करो, 10 लाख का क्लेम है तो 15% कितना होता है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट होने में 6 महीने से साल भर का टाइम लगता है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आई एम वेरी मच श्योर आप वो पूरा का पूरा प्रोसेस सीख पाओगे। ठीक है, इसके अंदर जो जो ड्राफ्ट होने चाहिए, वो सारे ड्राफ्ट हमारे तरफ से इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि भाई क्या ड्राफ्ट है, कैसा है। अब अगर इस कोर्स को करना है तो कैसे करना होगा, आपको द लीगल टाइम के ऊपर आना है, ये हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप से ऑन कर रहे हो तो भी चलेगा, आप फ़ोन से ओपन करो तो भी चलेगा। आई विल सजेस्ट कि आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करो। अगर फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वो भी आप यूज़ कर पाओगे। कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा प्रोटेक्शन फंड का, इस वाले कोर्स को ओपन करना है। ठीक है, और इसमें आपको जब लॉगिन करने आएगा तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, एंड देन आपको मेरे को डिटेल रहेगा आपको पेमेंट करने के लिए, लिंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगा यहाँ पे, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, अगर आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हो, इन दैट केस दिस कोर्स विल बी फॉर 4000 ओनली। ओके, 5500 का नॉर्मल ये कोर्स है, बट दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस टू 4000 ओनली। ओके, एंड आप लॉग इन करोगे, वहाँ पे 5 स्टेप दिखाता है। ये 5 स्टेप इज अ ब्रॉडर टर्म में डिफाइन किए गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन। अब ये देखो इंट्रोडक्शन का पूरा एक वीडियो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंट्रोडक्शन का पूरा क्लास खुलेगा। वेट, ठीक है ये खुल गया। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूँ अगर, तो काफ़ी सुंदर व्यू हो जा रहा है। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, डेफिनेशन, शेयर ट्रांसफर, शेयर होल्डिंग, डिविडेंड क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लॉसेस, फ्रीज ऑफ फिजिकल शेयर, यूज़र आईडी, जैसे V2 की आईडी एक्सेस कैसे करनी है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, और भी स्टेप्स इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई किस तरीके से आपको वो पूरा का पूरा पता, चाहे वो लॉगिन आईडी से रिलेटेड हो, ठीक है, V2 में एक्सेस कैसे लेना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कंपनी से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे बनवाना है, स्टैम्प पेपर चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी कितना पे करना होगा, हर एक चीज़। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर डूइंग। अदरवाइज अगर इन डिटेल जाना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और डिटेल में जो हमारे क्लासेस है वो आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अभी के जितने भी वीडियोज़ आएंगे आपको कुछ इसी लुक में मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा आँख में दिक्कत हो गया और कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको मैं इसी लुक में देखूंगा आने वाले 2-3 महीने तक। उसके बाद आपको फिर वही नॉर्मल वीडियो जो दिखता था हम लोग का वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।